तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक आखिरी चीज, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और वो ये कि इनकी सेट फॉर्म भी होती है। ये जो मैंने अभी बात की ना, अभी सेट की फॉर्म में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करो, ये बसेस है, तीन बसेस है, बस वन, बस टू, बस थ्री। तो ये बेसिकली सेट बना रही है ना। सेट आपने क्या पढ़ा था, कलेक्शन होती है। तो ये कलेक्शन ही है ना, बसेस की कलेक्शन, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इवेंट्स है, इनको आप सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सम प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं, आपके पास दो इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इवेंट को आप ए बोल दो, सेट ए, और दूसरा इवेंट जो है वो सेट बी है, ठीक है। मैं कहां पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं, ए और बी। पहला इवेंट को आप ए बोल दो, दूसरे इवेंट को आप बी बोल दो। जैसे इस एग्जाम्पल में पहला इवेंट जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तीन, और दूसरे इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट है, बी, टू, ठीक है। अगर आपको बोला जाए इसमें आइदर किसी को भी परफॉर्म करो, या तो पहले को करो या दूसरे को करो, तो सेट की फॉर्म में इसको आप यूनियन से रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि यूनियन में आपने देखा था। अच्छा, यहां पे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, इसका सेट की फॉर्म में नाम होता है डिसजॉइंट। मैंने आप लोगों को डिसजॉइंट का बताया हुआ था। डिसजॉइंट ऐसे सेट होते हैं जिनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं होता। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, शुरू में मैंने क्या बोला था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। सेट की लैंग्वेज में आप बोलोगे डिसजॉइंट, कुछ कॉमन ना हो इनके दरमियान, ठीक है। तो सम प्रिंसिपल आप लगा रहे हो। तो यूनियन से लिखने की वजह यही है कि यूनियन में आप क्या करते थे, आप पहले सेट के एलिमेंट लिखते थे, आप दूसरे सेट के एलिमेंट लिखते थे, बेसिकली आप ऐड करते थे ना। जैसे इसके अंदर तीन एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो यूनियन के अंदर कितने होते थे, पांच होते थे, अगर वो डिसजॉइंट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई सेट की फॉर्म में यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ए यूनियन, ये जो मैंने मॉड लगाया है ना, यहां पे मॉड का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होता है कि ए के अंदर एलिमेंट प्लस बी के अंदर एलिमेंट। ये जो मैंने इवेंट करवाया, ये उसको सेट की फॉर्म में लिखने का तरीका है कि इवेंट ए है, इवेंट बी है। आइदर परफॉर्म करने के लिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालें, तो क्या करोगे, इवेंट ए जो है उसको परफॉर्म करने के तरीके प्लस इवेंट बी जो है उसको परफॉर्म करने के तरीके, ठीक है। और सेट में इसको आप किस तरह लिखते हो, यूनियन की फॉर्म में लिखते हो। आपको पता है, मैंने सेट में ही बताया था कि ए यूनियन बी के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, जितने ए के अंदर एलिमेंट है, जितने बी के अंदर एलिमेंट है, उनको आपस में ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है। तो सम प्रिंसिपल बेसिकली ए यूनियन बी है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों जो सेट है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, और ए यूनियन बी बेसिकली क्या है, सम प्रिंसिपल। तो सम प्रिंसिपल को लिखने का सेट की फॉर्म में यह तरीका होता है। अब अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये डिसजॉइंट था, मैं लिख देता हूं। जब डिसजॉइंट होते हैं तो आप इस तरीके से निकालते हो, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो फिर ए यूनियन बी आप किस तरह निकालते हो, इस तरीके से कि ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के ये मॉड लगाया है, क्योंकि हम समझते हैं कि मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव हो जाए, कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर कर रहा होता है। अगर ए यूनियन बी इस तरह मॉड लगाया हुआ है, इस मॉड का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। इसकी जगह आप ओ भी यूज कर सकते हो, मतलब इस तरह ओ ए यूनियन बी, और इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो। इन तीनों का मतलब यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करेगा, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट को, या आप डिटरमिन मॉड लगा दो, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी, अब अगर इवेंट आपके डिसजॉइंट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, किस तरह निकालोगे, ए के अंदर जो एलिमेंट है प्लस बी के अंदर जो एलिमेंट है माइनस जो इनके दरमियान कॉमन है, और कॉमन को आप किस तरह लिखते हो, ए इंटरसेक्शन डी। कॉमन को लिखने का तरीका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन डी, जो कि आपने एफआईपी वाली एग्जांपल में किया था कि दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ आउटकम जो भी थे, नंबर ऑफ वेज कह लो आप, उनको ऐड किया था माइनस जो कॉमन था। तो कॉमन क्या था, एक था, मतलब उनका इंटरसेक्शन वन था, तो यहां पर आप वन से माइनस कर दोगे, तो इस वाले को आप कहोगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो सम प्रिंसिपल का हमने देख लिया कि सेट की फॉर्म में आप किस तरह लिखते हो, और इसको सब्ट्रैक्शन रूल भी कहते हैं, लेकिन अच्छा नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसका भी हमने देख लिया कि सेट की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। अब आ जाओ प्रोडक्ट प्रिंसिपल को, आप सेट की फॉर्म में किस तरह लिखते हो। तो प्रोडक्ट को आपको पता है, सेट के अंदर प्रोडक्ट को आप किस तरह लिखते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर आपको याद हो, सेट की मल्टीप्लीकेशन को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते थे। तो वही आप यहां पर यूज करोगे कि पहला इवेंट ए है, दूसरा इवेंट बी है, और इसके अंदर अगर आपको निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बी,
सेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो हम मैंने वहां भी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में मालूम करना हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो मैंने बताया था किस तरीके से मालूम करोगे, जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट है मल्टीप्लाई जितने सेट बी के अंदर एलिमेंट है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, और अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ो, मतलब इस वाले चैप्टर्स में, तो इसमें ए के अंदर तीन एलिमेंट का मतलब कि एक इवेंट ए है जिसको तीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, मतलब किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर लोगे इस बात को। इसी तरह बी है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल चार एलिमेंट है, तो जब आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करोगे ना तो आपके पास कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, थ्री मल्टीप्लाई फोर मतलब 12 आएंगे। और अगर आप देखो तो प्रोडक्ट रूल में आप ये काम कर रहे होते हो, तो प्रोडक्ट रूल को सेट की फॉर्म में आप इस तरीके से लिख रहे होते हो, ठीक है। और अगेन वही बात है, ये मैंने दो सेट की बात की है, ये जो सम प्रिंसिपल है ना, ये वाला तीन सेट के लिए तो इजी है, तीन चार पांच सबके लिए इजी है कि फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये तीन के लिए मुश्किल है और उसके बाद तो और मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन आती नहीं है, तो मैंने दो के लिए आप लोगों को लिखवा दी। ये तो कितने भी हो बड़ा इजी है, सबको ऐड कर दो आपस में। इसी तरीके से यहां पे मैंने दो का जिक्र किया है, अगर यहां पे तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए तो बड़ा इजी है, मल्टीप्लाई करना है बस आपने। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने शर्ट पैंट कोट वाली एग्जाम्पल दी थी, तो तीन सेट थे ना ए बी सी, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टू टू इनको मल्टीप्लाई कर दिया था आपने। तो जितने भी इवेंट है आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसी तरह बहुत मशहूर एक जमाना एग्जाम्पल है जो मेरे जहन में आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली एक स्टार्टर होता है, स्टार्टर में आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक जूस है या कोई छोटे से पकौड़े दे दिए उन्होंने कुछ, या समोसे दे दिए कुछ भी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल स्टार्टर में आपके पास दो ऑप्शन है। इसी तरीके से जो मेन खाना है उसमें ज्यादातर हमारे पाकिस्तानियों में खाना क्या होता है, शादियों में बिरयानी हो गया, और मतलब बिरयानी हो गई, कोरमा हो गया, साथ आप रोस्ट कर लो, तीन ऑप्शन है। और फॉर एग्जाम्पल मीठे में आप सर्दियां हैं तो गजरेला कर लो, गर्मियां हैं तो मेरे ख्याल में कुल्फा कर लो या कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता। तो फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो जो स्टार्टर है उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, जो मेन कोर्स है उसके अंदर तीन खाने के ऑप्शन है, और जो डिजर्ट है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप कस्टर्ड कर लो, कस्टर्ड कर लेते हैं, खीर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो ऑप्शन है। अब इन इवेंट को जाहिर सी बात है एक साथ परफॉर्म करोगे, आप पहले स्टार्टर खाओगे, फिर आप मेन कोर्स पे खाओगे, फिर आप डिजर्ट लोगे, तो तीनों एक साथ करने हैं आपने। तो अगेन वही बात, जब तीन एक साथ करने हैं तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल है। आपको तो ये किसी ने नहीं कहा ना कि भाई या तो तुमने स्टार्टर लेना है, या तुमने मेन कोर्स लेना है, या तुमने डिजर्ट लेना है, ऐसी तो शादी में रिस्ट्रिक्शन नहीं होती ना, सब आप ले सकते हो। इसका मतलब इन सब इवेंट्स को एक साथ परफॉर्म करना है, तो टोटल कितने तरीके से आप खा सकते हो, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 तरीकों से आप खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टर में आपने समोसा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मेन कोर्स में आपने बिरयानी खा ली, और डिजर्ट में आपने खीर खा ली। अब दूसरी पॉसिबिलिटी बताता हूं, आप ट्री डायग्राम बनाना, जिससे मैंने पहले आप लोगों को बताई थी ट्री डायग्राम, आपको मजीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टर में आप समोसा ही रखना, मेन कोर्स में आप बिरयानी ही रखना, डिजर्ट चेंज कर देना, पहले आपने खीर उठाई थी अब आप कस्टर्ड उठा लो, ये दो ऑप्शन हो गए। इसी तरह आप बाकी जो 10 ऑप्शन है वो लिस्ट कर लेना, टोटल 12 ऑप्शन आपके यहाँ बन जाएंगे। तो मेन आइडिया मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक आखिरी चीज रह गई है, और वो ये रह गई है कि जो मैंने यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, FIP वाली एग्जाम्पल भी दे दी, क्लियर हो गया होगा। सवाल ये कि यहां पर मैंने इंडिपेंडेंट लिखा है, ये क्या मतलब है इसका? इसके मतलब को समझने के लिए मैं अभी आप लोगों को मजीद एग्जाम्पल देता हूं। अब यहां पे जो वर्ड है ना इंडिपेंडेंट, इसका जरा मतलब देखते हैं कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो एक साथ परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जरा ये इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, कहीं से मैंने पढ़ी थी तो मैं वहां से कोट कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कार्स लेने जाते हो, ठीक है। तो कार्स में अगर बड़े बड़े ऑप्शन देखो ना, तो बॉडी के हिसाब से दो किस्म की कार आपको नजर आएंगी, और भी होंगी, मैं अभी जो मेरे जहन में वो मैं बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास, यहां पे मैं बता देता हूं कि पहला ऑप्शन क्या है कि आप सेडान, सेडान क्या होती है, जिसकी डिग्गी निकली है पीछे से, सेडान आप उसको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोला सिविक ये सब सेडान होती है। और दूसरी क्या होती है, हैचबैक, हैचबैक ही कहते हैं ना शायद, यही है, गलत हो तो मुझे बता देना, हैचबैक कहते हैं शायद उसको, स्पेलिंग यही है शायद। हैचबैक क्या होती है, जिसमें डिग्गी नहीं होती, स्विफ्ट हो गई, ऑल्टो, कल्टस, इस टाइप की जो होती है, ठीक है।
तो बॉडी स्टाइल के हिसाब से दो ऑप्शन है, या तो आप सेडान ले लो या हैचबैक ले लो। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कलर्स, ये तो था ना बॉडी स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कलर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो भाई आप ब्लैक में गाड़ी ले सकते हो, आप रेड में ले सकते हो, आप व्हाइट में ले सकते हो, और फॉर एग्जाम्पल मरून में ले सकते हो। ये हम डिफरेंट ऑप्शन, चार कलर के ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर आप गियर के हिसाब से बात करो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑटोमेटिक ले लो या आप मैनुअल ले लो, ऑटोमेटिक शिफ्ट गियर का ले लो या मैनुअल शिफ्ट, दो किस्म के हैं। ये आपके पास तीन इवेंट्स हैं, जाहिर सी बात है तीनों इवेंट को एक साथ ही परफॉर्म करना है भाई, एक बॉडी है उसी के ऊपर रंग आपको चाहिए और उसी का आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है जो आपको ऑटोमेटिक चाहिए, रेड कलर में चाहिए, और उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, सेडान होना चाहिए। जाहिर सी बात है तीनों इवेंट को एक साथ ही परफॉर्म करना है आपने, ये थोड़ी ना कि खाली गियर लेके बैठ जाओगे ऑटोमेटिक है, तो सब ऑप्शंस को आपने एक साथ परफॉर्म करना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये जो चॉइस है पूरी कितने तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई कि दो ऑप्शन है बॉडी स्टाइल के, चार ऑप्शन है कलर के, दो ऑप्शन है गियर के हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगा 16। इसका मतलब आपके पास 16 ऑप्शन है, 16 तरीके से आप गाड़ी अपनी बाय कर सकते हो। मैं टी डायग्राम बनाता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने सेडान ले लिया बॉडी के हिसाब से, सेडान में आपने कौन सा कलर लिया, आप ब्लैक भी ले सकते हो, आप रेड भी ले सकते हो, आप व्हाइट भी ले सकते हो, आप मरून भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने सेडान स्टाइल लिया और उसके साथ आपने रेड कलर में ली और गियर के हिसाब से आपने ऑटोमेटिक ले लिया, अब ये कंप्लीट आपकी गाड़ी तैयार होगी, सेडान रेड कलर ऑटोमेटिक, या दूसरा ऑप्शन क्या है, सेडान रेड कलर मैनुअल, दो ऑप्शन आप मैंने बता दिए आपको। अब आपने सेडान ली, ब्लैक कलर में ली और ऑटोमेटिक ली, इसी तरीके से मैनुअल ली, चार ऑप्शन ये हो गए टोटल मिला के। इसी तरह आपने सेडान ली, व्हाइट में ली, ऑटोमेटिक या मैनुअल, दो मजीद ऑप्शन ये हो गए, छह हो गए टोटल। इसी तरह सेडान मैरून कलर, ऑटोमेटिक या मैनुअल। तो अगर आप ऑब्जर्व करो आपके पास यहां पे 8 ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने हैचबैक लिया तो अगेन बच्चों यही कॉन्सेप्ट होगा, मैं एरो बना देता हूं लिख नहीं रहा कि फॉर एग्जांपल चार कलर, हर कलर में ऑटोमेटिक मैनुअल, ऑटोमेटिक मैनुअल, ऑटोमेटिक मैनुअल, ऑटोमेटिक मैनुअल। मैं चलो कंप्लीट भी करता हूं, रेड ब्लू सॉरी ब्लैक था, व्हाइट मरून, ऑटोमेटिक मैनुअल, ऑटोमेटिक मैनुअल, ऑटोमेटिक मैनुअल और ऑटोमेटिक मैनुअल, तो 8 ऑप्शन ये हैं। तो टोटल आपके पास कितने ऑप्शन बन गए, 16 जो मैंने यहां पे लिखे थे, मैंने आपको टी डायग्राम करके दिखा दिया कि 16 का मतलब क्या है, ठीक है। ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं कि भाई जब आपने पहला इवेंट परफॉर्म किया और अब आप दूसरा इवेंट परफॉर्म करने लगे हो तो दूसरे इवेंट पर पहले इवेंट का कोई असर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अपनी पसंद से बॉडी स्टाइल चूज किया, अपनी पसंद से रंग चूज किया, कोई पहले इवेंट ने आपको रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई थी ना, पसंद से आपने किया, इसी तरह आपने पसंद से ऑटोमेटिक चूज किया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। दूसरा इवेंट डिपेंड पहले पे नहीं कर रहा, दूसरा इवेंट इंडिपेंडेंट है, पहला इंडिपेंडेंट है, तीसरा इंडिपेंडेंट है। अब सवाल ये डिपेंडेंट इवेंट फिर क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट ये होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दूसरा इवेंट जब आप परफॉर्म कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है पहले इवेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि आप अगर सेडान चूज कर रहे हो तो उसमें आप वाइट नहीं ले सकते, क्या मैंने बात बोली कि सेडान अगर आप बॉडी स्टाइल चूज कर रहे हो तो फिर वाइट कलर नहीं आप ले सकते। अब ये डिपेंडेंट केस है, क्यों, दूसरा इवेंट डिपेंड करेगा पहले इवेंट के ऊपर, अगर पहला इवेंट सेडान है तो दूसरे इवेंट में वाइट नहीं ले सकते, अगर पहला इवेंट हैचबैक है तो दूसरे में वाइट ले सकते हो। यह है डिपेंडेंट का सीन कि ये दूसरा इवेंट डिपेंड कर रहा है पहले के ऊपर, ठीक है, तो इसको आप कहते हो डिपेंडेंट इवेंट्स। दोबारा बता देता हूं क्या बात मैंने बोली है कि दूसरा इवेंट जो है पहले पे डिपेंड कर रहा है, अगर पहला आपने सेडान चूज किया है तो दूसरे में आप वाइट चूज नहीं कर सकते, तो एक डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है, अगर आपने हैचबैक किया तो आप वाइट ले सकते हो। तो ये जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अब मैंने इन इवेंट्स को क्या कर दिया, डिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। तो डिपेंडेंट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है,
डिपेंडेंट इवेंट्स अगर हो उनकी प्रोबेबिलिटी को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हो, जो आपके बुक का टॉपिक नहीं है। आइडिया में दे रहा हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को कहते हैं। तो जैसे इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला है ना, डिपेंडेंट का ऐसा कोई नहीं है, आपको ये ट्री डायग्राम बना के करना पड़ता है, या कोई होगा तो शायद मुश्किल होगा, मेरे जहन में नहीं है अभी कोई। तो आप मैनुअली किस तरीके से निकालोगे कि आपने देखा कि सेडान में आप ब्लैक चूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, ये वाला काट दो। अगर सेडान में ब्लैक ही ले सकते तो ये दो ऑप्शन भी कट जाएंगे, क्योंकि दूसरा इवेंट में आप ब्लैक ले ही नहीं सकते। तो अगर आप ब्लैक ही ले सकते तो बाकी दो पॉसिबिलिटी तो वैसे हट जाएंगे। तो आप होगा क्या, सेम आपकी ट्री डायग्राम बनेगी, बस ब्लैक जो है वो सेडान के अंदर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो अब कितने पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, अब 14 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इसको आप कहते हो डिपेंडेंट इवेंट। तो अगर आपके इवेंट इंडिपेंडेंट है तब ये फॉर्मूला होगा कि आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिपेंडेंट है तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो बच्चों हमने कितने ऑप्शन पढ़ लिए, प्रिंसिपल में हमने 3 प्रिंसिपल पढ़े काउंटिंग के, एक चौथा भी होता है जिसको आप डिवीजन कहते हो, डिवीजन रूल भी होता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे परमोटेशन के अंदर। परमोटेशन में आई गेस दूसरा या तीसरा केस होगा वो, मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा। बेसिकली उसमें होता है कि चीजें जो है ना कुछ आपस में सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेटर्स है ना ए बी सी और सी, अगर आप ऑब्जर्व करो मैं आपको बोलूं कि इनको आपस में आपने अरेंज करना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि अरेंज करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लेटर हैं तो उनको अरेंज किस तरीके से कर सकते हो, एक तो इस तरीके से कर सकते हो, एक आप इस तरह लिखोगे, एक आप इस तरह लिख सकते हो, एक इस तरह लिख सकते हो, एक इस तरह होगा और एक इस तरह होगा, ये अरेंज करने के तरीके है ना। लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो सब डिफरेंट है आपस में। अगर आपको बोला जाए कि इनको अरेंज करो आपस में, अगर आप देखो सी 2 है आपस में, मतलब सी जो है वो 2 दफा आ रहा है, तो ये जो है ना इसके अंदर आप क्या करते हो, ये लाई करता है डिवीजन रूल के अंदर। और इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जैसे इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, 3 चीजों को अरेंज करने का फॉर्मूला होता है 3 factorial, मतलब 3 × 2 × 1। और देखो इसको प्रोडक्ट प्रिंसिपल से आप कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया था, कैसे कि 3 प्लेसेस है ना, तो पहली प्लेस में आप कोई भी 3 पुट कर सकते हो, जब कोई एक अल्फाबेट आपने पुट कर दिया पहली प्लेस में, अब 2 बचे हैं, कोई भी 2 पुट कर सकते हो, फिर यहां भी पुट कर दिया कोई भी 1 पुट कर सकते हो, तीनों एक साथ करने हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट्स व्हाई जो 3 factorial आया, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल इस तरह आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में सेम है ये, तो इनको आपस में अरेंज करने के तरीके 4 factorial हैं, लेकिन आपको पता भाई यहां पे कुछ सेम भी है, तो दैट्स व्हाई आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 factorial से। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा 2 factorial से, इसकी रीजन आपको परमुटेशन में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बस मैंने आईडिया दे दी कि डिवीजन रूल भी होता है, वो इंशाल्लाह परमुटेशन में हम कवर कर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं 7.1 पे, क्योंकि 7.1 की डिटेल में थ्योरी एक एक चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। तो थोड़े इजी क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यार ये जो आप लोगों को 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, इस पे आपने क्या करना है, बस आपने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट तो खैर बहुत इजी है यार, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। मैं चलो पहले ही बता देता हूं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूं। आपको ए यूनियन बी का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है, ओ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछे जा रहे हैं कि ए यूनियन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो किस तरह मालूम करोगे, आप देखोगे ए और बी को, ये सवाल एमसीक्यूज में आएगा, पेपर में नहीं आएगा। आप ए और बी को देखो, अगर तो ये डिसजॉइंट है तो भाई जितने ए के अंदर एलिमेंट है एड कर दो जितने बी के अंदर है। तो अगर आप देखो ए और बी को तो डिसजॉइंट नहीं है, कुछ कॉमन एलिमेंट है इसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या है, ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट का, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर सेट डिसजॉइंट है तो ये चीज जीरो हो जाती है, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो यहां पे ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ए के अंदर बच्चों 4 एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, और अगर आप देखो इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट कौन कौन से है 2 और 3, 2 एलिमेंट कॉमन है तो आप -2 तो ये हो जाएगा 5। इसका मतलब ए यूनियन बी के अंदर 5 एलिमेंट होंगे। यकीन नहीं आता तो आप यहां पे ए यूनियन बी मालूम करके देख लो, देखना 5 ही एलिमेंट होंगे उसके अंदर। पार्ट नंबर 2 में बोला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो अभी आपने देखा था ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितना एलिमेंट है 2 है। पार्ट नंबर 3 में बोला हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तो भाई ए के अंदर 4 एलिमेंट है, सी के अंदर जो है वो
पांच एलिमेंट है तो इनको आपस में आप ऐड कर दोगे, ठीक है। यहां पे आप कॉमन शॉमन नहीं देखोगे, वैसे कॉमन को जवाब ही नहीं रहा, या तो सिंपल आपको बोला है कि ए और सी के नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड करो, कॉमन है नहीं है, बस आप उनको ऐड करो। पार्ट फोर में बोला है ए यूनियन सी, तो भाई ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है, तो ए यूनियन सी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ए और सी के नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड कर देना। पार्ट फाइव में लिखा हुआ है ए क्रॉस सी, तो आपको मैंने बताया था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपने मालूम करने हो तो क्या फॉर्मूला होता है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, सी के अंदर कितने हैं, पांच एलिमेंट है, फोर मल्टीप्लाई फाइव, इसका मतलब ए क्रॉस सी जो है इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 20 आएंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को चैप्टर वन में निकालने का तरीका बताया था, आप निकाल के देख लेना 20 आ रहे होंगे। फिर पार्ट सिक्स में बोला हुआ है ए यूनियन बी क्रॉस सी, ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से मालूम करोगे, ए यूनियन बी क्रॉस सी, इसके अंदर ये कि जो ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, उसके अंदर है चार एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ये यूनियन है ना, तो यूनियन में आप क्या करते हो, आप दोनों को आपस में ऐड करते हो और माइनस करते हो कि अगर उनके दरमियान कुछ कॉमन है या नहीं। अब देखो ए जो है इसके अंदर होंगे नंबर्स 1 2 3 ये नंबर्स है, जबकि बी क्रॉस सी जो है ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो ऑर्डर्ड पेयर और नंबर में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्ट आप यहां पे कुछ नहीं करोगे, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, ए के अंदर एलिमेंट है भाई चार, और बी क्रॉस सी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, अब ये निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, बी के अंदर जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई सी के अंदर जितने एलिमेंट है, जैसे आपने ऊपर देखा था, तो भाई बी के अंदर है एलिमेंट माशाल्लाह 3 है और सी के अंदर 5 है, 3 5 15 प्लस 4 19, इसका मतलब इसके अंदर कितने होंगे, 19 होंगे, सही है। ये जो सेट आएगा ना ये अजीब सही होगा वैसे ये, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स भी होंगे और साथ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यहां से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे यहां से एलिमेंट आएंगे, तो इसमें ये ऐसा सेट होगा जिसमें डिफरेंट चीजें होंगी। और इसी तरह जो पार्ट नंबर 7 है उसमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी है, तो किस तरह, और आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा वर्ड है, ये चीज देखिए भाई, ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी, तो सिंपल सी बात है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हो, आप दोनों जो सेट लिखे हुए ना उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो। पहला सेट लिखा हुआ है ए यूनियन बी, भाई ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, यहां पे ए यूनियन बी के अंदर 5 एलिमेंट है, ए यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट है, ए यूनियन सी के अंदर एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट होंगे, तो 9 लिख लो, 5 9 क्या होता है 45, इसका मतलब ए यूनियन बी क्रॉस ए यूनियन सी जो है भाई इसके अंदर 5 एलिमेंट है, इसके अंदर 9 एलिमेंट है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करोगे तो टोटल आपके पास 45 ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर आते हैं तो 45 ऑर्डर पेयर होंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 8 जो है वो आप लोग कर लेना, भाई बी इंटरसेक्शन सी जो है, बी और सी के दरमियान क्या इंटरसेक्शन है, 4 है, बस एक ही चीज कॉमन है 4, ठीक है, जब आप उसका यूनियन लोगे ए से तो साइड आ जाएगा 0 1 2 3 4, मतलब 5 एलिमेंट उसके अंदर होंगे। और उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, भाई ए के अंदर 4 एलिमेंट है और बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 1 एलिमेंट है, डिसजॉइंट है आपस में, तो यूनियन में आप जस्ट ऐड कर दोगे, 4 + 1 क्या होता है 5 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, 3 तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 एक और करवा देता हूं मैं, उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4 पर्सन एंटर अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट इन विच देयर आर 6 सीट, भाई 4 बंदे जो हैं वो एक रेलवे कंपार्टमेंट में, बुगी जो होती है ना, बुगी के अंदर जब रेलवे में जो ट्रेन है बुगीज होती है ना, उसके अंदर बुगीज में जब एंटर होते हो तो अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, हर कंपार्टमेंट के अंदर 6 सीट्स होती हैं। तो कंसीडर कर लो ये, आप इसको देखो प्रैक्टिकल समझो, जितने परमोटेशन काउंटिंग कम्बिनेशन जितने सवाल होते हैं ना, इसको आप प्रैक्टिकली समझोगे तो आपको बात ज्यादा अच्छे तरीके समझ आती है। तो मैं खैर डेटा बना देता हूं कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन है भाई 6,
सॉरी चार, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है भाई, छह है। आपको टोटल नंबर, अब ये वो सवाल है जो आमतौर पे आते नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे सवाल है ना, क्योंकि इसके अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करना हो, तो ज्यादातर ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। पेपर में पांच नंबर के अंदर जो सवाल आते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जिनमें कुछ आपने बाकी वर्किंग करनी है। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ वेज मैं निकाल लेता हूं, किस तरीके से निकालूंगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं। टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको आप डैश बना के सॉल्व करो ज्यादा बेहतर होता है। क्या भाई कितने बंदे हैं, चार बंदे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला बंदा जब उस कंपार्टमेंट के अंदर एंटर होगा उसको कितने ऑप्शन नजर आएंगे, उसको छह ऑप्शन नजर आएंगे, वो छह में से किसी भी सीट पे बैठ सकते हैं। तो जो पहला पर्सन है उसके पास कितने ऑप्शन है, उसके पास बैठने के छह, मतलब बैठने के छह ऑप्शन नहीं है, मतलब चूज करने के लिए कितने ऑप्शन है भाई, छह सीट है उसके पास, छह में से किसी भी सीट पे बैठ सकता है, पहले पर्सन के लिए ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला बंदा जो है वो किसी सीट के ऊपर बैठ गया, तो अब रिमेनिंग कितनी सीट बची, पांच सीट बची है। तो जो दूसरा पर्सन एंटर होगा उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, पांच ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक पे वो पहले बैठ गया था पहला वाला बंदा, तो दूसरे वाले बंदे के पास अब उसी की सीट पे नहीं बैठ सकता। ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि हर सीट पे एक एक बंदा ही बैठेगा, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ नहीं लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात होती है, कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा बंदा था उसके पास पांच ऑप्शन थे, अब दूसरा बंदा भी बैठ गया, इसका मतलब दो सीट ऑक्यूपाई हो गई है, कितनी बची है, चार बची है। तो उसका मतलब तीसरा बंदा जो है वो किसी भी चार ऑप्शन है किसी में भी बैठ सकता है। जब तीसरा भी बैठ गया तीन सीट कवर हो गई, अब कितनी बची है, तीन बची है, तो उसका मतलब जो चौथा बंदा है उसके पास कितना ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। और ये सब इवेंट एक साथ परफॉर्म होंगे, मतलब वो चार के चार बंदे जो है वो एक साथ बैठेंगे ना, ये थोड़ी ना कि पहले एक बंदा बैठ रहा है फिर वो बाहर चला गया दूसरे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, सब एक साथ हो रहे हैं। तो आप आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 6 5 30 34 120 120 को अगर आप 3 से करो 360, इसका मतलब 360 तरीके बनेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सोचो तो आपको बात समझ आ जाएगी। ट्री डायग्राम में बना नहीं सकता, देखो ट्री डायग्राम का डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आपके पास आउटकम बहुत ज्यादा होते हैं तो आप ट्री डायग्राम नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यह बनाने की कोशिश करता हूं, खुद ही आपको बात समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल जो पहला बंदा है उसके पास कितने ऑप्शन है। पहला बंदा फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन के पास बैठने के कितने ऑप्शन है, वो S1 पे सीट नंबर वन कह देते हैं, S1 पे बैठ सकता है, S2, S3, S4, S5, S6। फॉर एग्जाम्पल पहला बंदा जो है वो S1 सीट पे बैठ गया, कंसीडर कर लो, तो सेकेंड जो बंदा है उसके पास कितने ऑप्शन होंगे। अगर पहला S1 पे बैठ गया तो दूसरा S2 पे बैठ सकता है, S3 पे, S4 पे, S5 पे, S6 पे। आप कंसीडर कर लो कि पहला बंदा आया है वो पहली सीट के ऊपर बैठ गया, अब रिमेनिंग पांच सीट है, तो दूसरा बंदा किसी भी पांच सीट पे बैठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहला बंदा S1 पे बैठा है, दूसरा बंदा S2 पे बैठा है, तीसरा बंदा किस पे बैठा है, वो S3 पे भी बैठ सकता है, S4 पे भी बैठ सकता है, S5 पे भी बैठ सकता है, S6 पे बैठ सकता है। पहला बंदा S1 जगह घेर लिए, दूसरे ने S2 जगह घेर लिए, तो पीछे कितनी बची है, चार जगह बची है, तो इनमें चार पे बैठ सकता है। अब जरा देखो कितनी चीज बढ़ती जा रही है, ये मैं बस एक पॉसिबिलिटी कर रहा हूं। इसके भी चार केस बनेंगे, इसके भी चार केस बनेंगे, इसके भी चार बनेंगे, इसके भी चार बनेंगे, मतलब ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि पहला बंदा S1 पे बैठे, दूसरा S3 पे बैठे, तो तीसरे के पास क्या ऑप्शन होंगे, S2, S4, S5, S6, चार ऑप्शन है। फिर मजीद आप बनाओगे, ये बात खत्म नहीं हुई कि फॉर एग्जाम्पल S1, S2, S3, तो तीसरे के पास क्या ऑप्शन है, चौथे के पास S4, S5, S6। तो अब जरा खुद आइडिया लगा लो कितने ऑप्शन बन रहे हैं, और सिर्फ S1 के बने। अगर आप S2 को कंसीडर करोगे दोबारा इतने बनेंगे, फिर इतने बनेंगे, फिर इसके 60 ऑप्शन बन रहे होंगे, आप करके देख लेना, फिर इसके 60 करते करते 360 ऑप्शन यहां पे बन रहे होंगे। तो बसलाई का ट्री डायग्राम कभी इतनी मुश्किल होती है कि आप नहीं सॉल्व कर सकते, जबकि प्रोडक्ट प्रिंसिपल आपके पास बच्चों वाला होता है, आप आसानी से उसके जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मेन एग्जाम्पल, बाकी इंशाल्लाह थ्योरी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 7.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कोई सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछ लेना। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।